सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का जो सब चैप्टर नंबर 5 है, इंडियाज फॉरेन ट्रेड, उसकी जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज इन द एयर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है, कि हमने इसमें क्या किया गया, क्या इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो भी हम बाहर से सामान मंगवा रहे हैं उसका सब्सटीट्यूट बनाने की कोशिश की है, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इम्पोर्ट से बचाने की कोशिश की है। इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जैसा कि कुछ ड्यूटीज़ उन पे हाई चार्ज ड्यूटीज़ लगाई गई, या कुछ प्रोडक्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये वाले प्रोडक्ट्स हमने नहीं मंगवाने या कितनी क्वांटिटी में मंगवाने हैं। तो जो ये रूल्स हैं, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में हमने ये सब डिस्कशन करनी है। नोट दिस पॉइंट्स क्लियरफुली। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इम्प्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स of those goods which the economy has been importing from rest of the world. This strategy is saving the foreign exchange by restricting the volume of import. क्योंकि import substitution country में बनाने से, जो बाहर वाली country से rest of the world से हम एक जो product हम मंगवा रहे थे, उससे क्या हुआ कि हमारी import substitution produce करने से हमारी domestic production भी increase हुई है, जिससे और इस strategy से हमारा जो foreign exchange है वो भी save हुआ, volume of import को भी save किया गया। volume of import मतलब कि हमने कितना प्रोडक्ट मंगवाना है बाहर से, इस पे कंट्रोल किया गया, जिससे हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो काफ़ी हद तक बच गई, अदरवाइज़ वो एक्सप्लॉइट हो जाती। सेकेंड इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज बीइंग एक्सट्रीमली स्कार्स वाज टू बी यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंट इम्पोर्ट रेफरिंग टू द इम्पोर्ट ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी विच इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बट कैन नॉट बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली ऑइंग एट द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स। के फॉरन एक्सचेंज क्या उस टाइम पर काफ़ी कम हो गई, काफ़ी स्कार्स थी। क्यों स्कार्स थी? क्योंकि हर चीज़ बाहर से मंगवाई जाती थी, डेवलपमेंशियल जो इम्पोर्ट्स हैं वो बाहर से थे, जैसा कि मशीनरीज वगैरह जो कि प्रोडक्शन के लिए या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए जो बहुत ज़रूरी होती है, वो सब हमें बाहर से मंगवानी पड़ती थी। तो इस वजह से जो फॉरेन सेविंग्स है वो कम होनी शुरू हो गई, काफ़ी कम थी, तो डोमेस्टिक इम्पोर्ट्स के लिए हमें वो फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ करना पड़ता था। By adopting inward looking trade strategy, the government preferred the economize the use of foreign exchange through the import substitution rather than maximizing generation of foreign exchange through export promotion. क्योंकि अब inward looking trade strategy की हेल्प से government ने जो foreign exchange को use करना शुरू किया, उसे economize करना शुरू किया। किस तरह इकोनॉमाइज किया? कि इम्पोर्ट जो सब्सटीट्यूशन है, इम्पोर्ट जो मंगवाना है बाहर से, इम्पोर्ट करना है, उसे कम किया गया और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया, जिससे फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारी कंट्री का इंक्रीज़ हो और फर्दर जो है ट्रेड स्ट्रेटजीज बनाई जाए। नेक्स्ट इज ऑल्सो द गवर्नमेंट वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। अब इसका ये इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी इसलिए भी की गई, बनाई गई, ताकि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, वो सेव रहे, कहीं ये ना हो कि हम सारे प्रोडक्ट्स बाहर से मंगवाने शुरू कर दें और डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है बिल्कुल ही बंद पड़ जाएँ। ओके, नेक्स्ट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। क्योंकि इनवर्ड लुकिंग जो ट्रेड स्ट्रेटजीज है, उसका डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे क्या असर हुआ? काफ़ी असर हुए, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़े। अब हम सभी दोनों इम्पैक्ट्स उसके पढ़ेंगे। पहले है पॉजिटिव इम्पैक्ट। गुड इम्पैक्ट्स क्या थे? हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में काफ़ी इंक्रीमेंट हुई, जो GDP है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्शन है वो हमने अपने लेवल पे, जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन है या जो छोटी मोटी चीज़ों की प्रोडक्शन, हमने अपनी कंट्रीज़ में ही करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन सेक्टर जो है, इंडस्ट्री सेक्टर है, वो डेवलप हुआ और उसकी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई। इसकी वजह से स्ट्रक्चर में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, स्ट्रक्चर इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हुआ है। नेक्स्ट इज़ अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है, उसमें काफ़ी सारे डाइवर्सिफिकेशन आए, काफ़ी सारे चेंजेस आए। जहाँ पे पहले सिर्फ कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते थे, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए, जैसे कि पहले टेक्सटाइल हो गए, जूट हो गया,
पहले सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज थी, अब जो वो भी जिसका मैक्सिमम सामान बाहर से ही आता था, अब धीरे धीरे वो सारा सामान जो है इंडिया में प्रोड्यूस होना शुरू हो गया और पॉइंट्स जो अपनी इंडस्ट्री है उसकी भी ग्रोथ हुई है। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है, या फिर सनराइज़ इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है, और साथ के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की या फिर जूट इंडस्ट्री की, इन सब इंडस्ट्रीज़ की जो है ग्रोथ हुई है। पहले जो था वो सिर्फ टेक्सटाइल और जूट की इंडस्ट्री थी, पर धीरे धीरे टाइम के साथ जो इंडस्ट्रीज इंक्रीज़ हुई हैं, टेक्सटाइल, जूट, उसके बाद हो गया इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ आ गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ आ गई, इंटरनेशनल कंपटीशन भी इंक्रीज़ हो गया, तो इससे हमारी कंट्री को काफ़ी बेनिफिट्स मिल गए। थर्ड वन इज़ द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, वो अपने छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ खोलें ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई हेल्प की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें हेल्प दी जाती थी कैपिटल की, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो लोगों को छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में पैसे इन्वेस्ट करने की काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, ताकि वो अपनी, जिससे हमारी इकॉनमी भी डेवलप हुई है। अब बैड इम्पैक्ट क्या थे? ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। पब्लिक मोनोपोलीज मतलब कि गवर्नमेंट ने पहले जहाँ पे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के अंडर था, अब वो सारा कंट्रोल उन्होंने पब्लिक को दे दिया, मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को दे दिया, जिसकी वजह से पब्लिक मोनोपोलीज जो है वो उसकी काफ़ी इंक्रीमेंट हुई है, ग्रोथ हुई है, इनएफिशिएंटली ग्रोथ हुई है। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लीड टू ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपोलीज, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को बचाते बचाते इनएफिशिएंट मोनोपोलीज जो है वो इंक्रीज हुई है। टेली कम्युनिकेशन वॉज गवर्नमेंट मोनोपोली टिल 1990। वी ऑल नो द पीपल हैड टू वेट फॉर ईयर्स टू ईयर्स जस्ट फॉर टेलीफोन कनेक्शन, क्योंकि टेलीफोन जो कि टेली कम्युनिकेशन जो है वो गवर्नमेंट मोनोपोली गवर्नमेंट के अंडर था 1990 तक। पर बाद में उस टाइम पे क्या होता था कि लोगों को अपना एक फ़ोन का कनेक्शन लेने के लिए कई कई साल जो है वेट करना पड़ता, बट नाउ यू गेट रिपीटेड SMS ऑफरिंग यू अ न्यू टेलीफोन कनेक्शन फ्री ऑफ चार्ज। पर आज क्योंकि इसे प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया, तो आजकल क्या हो रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्री में बिना किसी चार्जेस के आपको फ्री घर पे टेलीफोन कनेक्शन मिल रहे हैं सिर्फ एक मैसेज करने की देरी पे। नेक्स्ट इज़ द लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, तो जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन मतलब डेवलपमेंट जो वो कम हो रही थी। ऑल यूजर्स ऑफ कार स्टिल रिमेंबर डैट एम्बेसडर एंड फिट वर दी ओनली टू मॉडल्स परचेज बाई द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया, क्योंकि जो पुराने कार के यूजर्स हैं, पुराने लोग हैं, हमारे जो दादाजी परदादाजी हैं, उन्हें भी याद है कि पहले टाइम पे सिर्फ दो ही गाड़ियाँ होती थी, एम्बेसडर और फिट, ठीक है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में यही दो गाड़ियाँ प्रोड्यूस की जाती है, और दो ही एक दो मॉडल ही उनके होते थे, और वही प्रोड्यूस करते थे, वही सेल करते थे, तो इनकी कोई ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ उनका ध्यान नहीं था। थर्ड है कि इनडिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसका इनडिस्क्रिमिनेशन मतलब कि प्रॉपरली स्प्रेड नहीं था, कहीं पे ज़्यादा डेवलपमेंट थी, कहीं पे कम डेवलपमेंट थी। द पीरियड ऑफ 1950 टू 1980 वाज मार्क्ड विद द ट्रेंड टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग थ्रू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सो मच सो डैट द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द बिड टू प्ले द रोल ऑफ क्यूसेडर स्टार्टेड स्वेलिंग अप द अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। उस टाइम पे क्या होता था, इनडिस्क्रिमिनेशन इन रेशनल यूज़ होता था पब्लिक रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को स्वेलो मतलब कम मिलती थी, पहले कम मिलती थी, पर धीरे धीरे जो इनवर्ड लुकिंग जो स्ट्रेटजी या ट्रेड स्ट्रेटजी है उसकी वजह से फिर प्राइवेट सेक्टर को इनकी डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें इन्वेस्ट करना शुरू हो गया, और पब्लिक सेक्टर का जो है स्प्रेड जो है वो कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम रह गया। फर्स्ट इज़ द इकोनॉमिकल अनवायबल स्टेट एंटरप्राइज अ पॉलिटिकल कंपल्शन। एनी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज वुड अल्टीमेटली शट डाउन इफ फाउंड इट ए इकोनॉमिकल अनवेबल यूनिट, कह रही कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कोई बिजनेस है वो खुद जल्दी ही शट डाउन होती है अगर उन्हें लगता है कि ये प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही। बट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में क्या होता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल कंपल्शंस की होती है, चाहे वो एंटरप्राइज प्रॉफिट अर्न करे चाहे लॉसेज अर्न करे, उन्हें वो एंटरप्राइज पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म चलानी ही पड़ती है, चाहे उससे गवर्नमेंट को नुकसान हो, चाहे उससे गवर्नमेंट को किसी भी तरह की इनकम अर्न नहीं हो, पर उन्हें वो चलानी पड़ती है, जिसकी वजह से जो हमारी इनवर्ड
ओवर लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी है वो उसे उसका काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़े। विद दिस हमारा ये वाला चैप्टर जो है ख़त्म होता है। यू हैव टू गो थ्रू इट्स क्वेश्चन आंसर, इट्स फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जो MCQs हैं ये सभी आपने चेक करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग लगती है तो हम इसे कल की जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड एज यूजुअल यू हैव टू मेक देयर नोट्स एज वेल। थैंक यू।